okay so good morning to all of you sunday morning 10:30 and we are sitting over here to discuss fundamentals of credit analysis fundamentals of credit analysis it is a class for cfa level 1 basically a review class and as i said it is also applicable for cfa final rm because in risk management, CA final we have a chapter on credit risk. It is also applicable for CA final financial service capital market FSCM, because they have two chapters. One is credit risk, the other is credit rating. So you know, in the case studies in CA, uh, quite often something comes out which is not there in the book. So if you are interested, you can listen. Otherwise, this class is dedicated towards CFA level one fundamentals of credit analysis. Sir. Do we need to have prior knowledge about it to listen to you? Frankly speaking, no. Because credit analysis is such a common sense topic. It is such a common sense topic that there is no need for anybody to prepare anything. Of course, examination is there. So, those who are sitting for CFA level 1, they have to thoroughly prepare the questions. But even if you are sitting with no knowledge, you will understand each and everything. Believe me. Okay? एम जस्ट लुकिंग एट द यूट्यूब मैसेजेस इन केस आई नीड टू एड्रेस देम इज माई ऑडियो वीडियो ओके इज माई ऑडियो वीडियो ओके कोमल मैंने बता दिया है कि अगर आप सी एफ ए नहीं कर रहे हैं तो भी अगर आप सी ए फाइनल में हैं और रिस्क मैनेजमेंट इलेक्टिव चुना है या फाइनेंशियल सर्विस कैपिटल मार्केट इलेक्टिव चुना है तो आपके लिए लाभदायक क्लास होगी ठीक है ना तो मैंने वो क्लैरिफाई शुरू में ही कर दी है मेरे टेलीग्राम पे जो ऑडियो डाला था उसमें भी क्लियर कर दिया था मैंने ठीक है ओके चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपने नाउ व्हेन वी बाय बॉन्ड्स व्हेन वी बाय अ बॉन्ड एज एन इन्वेस्टर जब अपने बॉन्ड बाई करते हैं या जब एक बैंक लोन देता है ठीक है जब एक इन्वेस्टर बॉन्ड बाई करता है या जब एक बैंक लोन देता है इट्स सफर्स क्रेडिट रिस्क इट ऑल्सो सफर्स इंटरेस्ट रेट रिस्क बट इट सफर्स क्रेडिट रिस्क तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दो मेजर कॉम्पोनेंट्स है बॉन्ड बाई करने का वन इज इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड दी अदर इज क्रेडिट रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क क्रिएट रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड प्राइस गिरेगा विच वी कैप्चर आया मॉडिफाइड ड्यूरेशन कन्वेक्सिटी और क्रेडिट रिस्क हो गया कि अपने बॉन्ड बाई किए पर अपने बॉन्ड बाई करने के बाद कंपनी का जो क्रेडिट क्वालिटी है ना वो फॉल कर गया वी बॉट द बॉन्ड बट आफ्टर बाइंग द बॉन्ड कंपनी का क्रेडिट क्वालिटी डेटेरूरेटेड इधर बिकॉज ऑफ कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स और बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसा अभी जो चल रहा है इकोनॉमी फैक्टर्स के कारण देर इज मोर एंड मोर डेटीशन इन क्रेडिट क्वालिटी विच इज़ टेक इन प्लेस इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स ऑफ कोर्स सम कंपनीज हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ लेवरेज डेट ऑन द बैलेंस शीट ड्यू टू विच दे आर फेसिंग मोर ब्रंट ऑफ इट ठीक है बट अदरवाइज यू नो इट्स एक्सोजीनियस वॉट इज हैपन्ड इज टोटली एन एक्सोजीनियस स्टेट ऑफ अफेयर्स हर्टिंग सम इंडस्ट्रीज मोर सम इंडस्ट्रीज लेस ओके सो देर डेज इन विच इंडिया में जो बॉन्ड मार्केट वो कंप्लीटली ड्राई अप हो गया था देर वॉज नो ट्रेडिंग फॉर हाफ एन आवर वन आवर यू नो टेम्पल टेम्पल का बहुत सारा डेट स्कीम्स जो है वो बंद कर दिया गया था कॉजिंग सच अ यू वन क्राई इन द मार्केट अराउंड वन मंथ अगो ओके बिकॉज दे कुड नॉट सर्वाइव दे डिड नॉट हैव लिक्विडिटी ओके टेम्पल का आपने सुना होगा ठीक है वी ऑल्सो नो दैट इन द करेंट इन्वायरमेंट इज एडवाइजिंग दैट मीन यू डू बॉटम फिशिंग एंड इन्वेस्ट योर सेविंग्स इन कंपनीज फॉर द लॉन्ग टर्म चूज कंपनीज़ विच हैव अ लाइट बैलेंस शीट इन टर्म्स ऑफ डेट जिनका डेट कमती है कंपनीज विच आर मोर फ्लेक्सीबल विच आर मोर एजाइल ओके विच कैन विच हैव लेस ऑपरेटिंग लेवरेज लेस फाइनेंशियल लेवरेज जिनका फिक्स कॉस्ट कम है तो If you look at this discussion in the context of the current environment, you will feel more attached to it and you will never feel that sir, ये जो अपने आ, करते हैं ना पढ़ाई में वो तो रियल लाइफ में काम का नहीं है पूरा काम का है in fact, जो बेसिक लेवल पे आ, सी ए इंटर में लोग करते हैं ना ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, वो देखो काम का है बिकॉज जिन कंपनीज का फिक्स कॉस्ट हाई है उनका फॉल्ट ये जो रेवेन्यू ड्रॉप किया उसके कारण इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लॉज इज मैसेफ बट जिन कंपनीज़ का फिक्स कॉस्ट कम था उनका रेवेन्यू फॉल करने से द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो इज नॉट दैट फेटल ठीक है सो एवरी थिंग अकेडमिक दैट वी डू इट रिक्वायर्स इन साइट टू अप्लाईट इन मार्केट्स ठीक है फिर से बहुत सारे मैसेजेस यूट्यूब पे देख, दिख रहे हैं मेरे को मैं एक बार देख रहा हूँ आई एम जस्ट सीइंग देम अब वो बंदा चालू कर दिया वेन विल आई गेट सी एफ ए लेवल थ्री रिमेनिंग क्लास तो ये इसके लिए अपने एसोसिएट हो रहे ना विवेक ठीक है क्या बात कर रहे हो यार कुछ भी उसका रिप्लाई ऑलरेडी लेवल थ्री ग्रुप में दे दिया था कि नेक्स्ट वीक से मिलना चालू होगा और आप यहाँ टाइम पास कर रहे हो आप अपना नाम जो है ना मेरे को ध्यान रह जाएगा यू हैव गिवन अप योर रिस्पेक्ट बाय राइटिंग दिस बीइंग अ लेवल थ्री स्टूडेंट राइटिंग दिस ओवर हियर ऑन यूट्यूब चैट डजन मेक एनी सेंस यू हैव गिवेन अप योर रिस्पेक्ट इन माई आईस ओके परफेक्ट नाउ कोई रुमाना करके है जिनको ऑडियो हियर नहीं हो रहा है पर बाकी सबको ऑडियो हियर हो रहा है तो आई थिंक इट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम एट योर एंड रुमाना ठीक है द ऑडियो एंड द वीडियो ऑल आर रनिंग वेल नाउ लेट्स गेट इन टू द डिटेल्स ओके माइन्यूशन में चलते हैं तो माइन्यूशन में चलते हुए जस्ट वन सेकेंड या इफ यू वॉन्ट यू कैन डू सम स्क्रबलिंग अलॉन्ग विथ मी अगर आपको कॉपी पेन लेके बैठे हैं और आपको स्क्रिबल करना है तो आप मेरे साथ स्क्रिबल कर सकते हैं इन केस यू डोंट वांट टू यू मे नॉट डू नो इश्यूज सो आई हैव हियर हर समय मैसेजेस देख नहीं पाऊंगा मैं ठीक है तो बेटर रहेगा आप भी मैसेजेस तभी लिखें जब मैंने बोला कि हाँ आई विल लुक एट द मैसेजेस फंडामेंटल्स ऑफ क्रेडिट एनालिसिस ओके फंडामेंटल्स ऑफ क्रेडिट एनालिसिस और इसके अंदर वी डिस्कस्ड और या विल डिस्कस द फॉलोइंग पार्ट्स प्लीज यू कैन राइट डाउन द पार्ट्स पार्ट वन इंट्रोडक्शन अगर आपका मन है तो आप लिख सकते हैं मेरे ख्याल से आपको लिखना चाहिए बिकॉज वेन यू राइट समथिंग यू हैव टेक अवे क्लास के बाद पता चलेगा क्या क्या सीखे और अगर आप नहीं लिखते हैं तो इट्स लाइक थोड़ा सा कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है तो इफ यू राइट बेटर पार्ट वन इंट्रोडक्शन पार्ट टू पार्ट टू इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सीनियोरिटी कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सीनियोरिटी अलग अलग तरह का डेट होता है ना तो उसका सीनियोरिटी हायर ठीक है ना पार्ट थ्री इज अ डिस्कशन ऑन क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट रेटिंग ये मैं बोल रहा था एफ एस सी एम फाइनेंशियल सर्विस कैपिटल मार्केट सी ए फाइनल में क्रेडिट रेटिंग के ऊपर केस स्टडी आता है ठीक है पच्चीस नंबर का क्रेडिट रेटिंग और उनमें कई बार बुक से बाहर पूछ लेते हैं फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट इज ऑन कॉरपोरेट क्रेडिट एनालिसिस कॉरपोरेट क्रेडिट एनालिसिस किसी अगर कंपनी का क्रेडिट एनालिसिस करना है अपने को जैसे भारतीय एयरटेल इट हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट and that was one reason why it was languishing at low p ratio ठीक okay? है? but now after seeing what jio has done what reliance has done भारती is also trying to move in the same lines it's also trying to deleverage. there is a talk about amazon ke sath baat ho raha hai theek hai ye log khud hi kya badmashi karte hain pehle baat jo hai wo leak ho jayega leak hone ke baad amazon statement issue karega ki god knows who leaked it it's a very प्रोफेशनल कॉन्डक्ट खुद ही लीक करते हैं जैसे मार्केट में एक्टिविटी हो ठीक है और पैसा घुमा पाए और खुद ही बात करते हैं कि कौन लीक किया एनी वेज कॉर्पोरेट क्रेडिट एनालिसिस कैसे क्रेडिट एनालिसिस करें कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी कैरेक्टर कैपैसिटी इन ऑल दैट पार्ट फाइव पार्ट फाइव इज ऑन क्रेडिट रिस्क वर्सेज रिटर्न क्रेडिट रिस्क वर्सिज रिटर्न

आप बाद में जाके फिर से देख सकते हैं बट बाद में देखना इज अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ़ टाइम हाउ कैन यू वॉच अ वीडियो ट्वाइस इट्स लाइक अ सिन इस जमाने में एक वीडियो को दो बार वॉच करने से बड़ा सिन कोई है नहीं दैट मीन्स आप अटेंशन नहीं दे रहे हो जिस समय फर्स्ट टाइम आपने वीडियो देखा इट्स अ सीरियस वेस्ट ऑफ योर टाइम अ नेगेटिव एन पी वी अपॉर्चुनिटी एज फार एज टाइम इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न तो ये सिक्स पार्ट है ठीक है ये सिक्स पार्ट्स हैं अब एक एक पार्ट को पिकअप कर रहा हूँ मैं ठीक है कोई बोल रहा है लेवल टू का स्टूडेंट्स हम लोग भी देख सकते हैं क्या ऑफ कोर्स क्रेडिट एनालिसिस लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री तीनों लेवल में है बट हायर लेवल पे लेवल टू में बहुत टफ है ओके एज कम्पेयर टू लेवल वन तो अगर आप कंप्लीटली आउट ऑफ टच हो यू रिक्वायर्ड सम थोड़ा सा एक पुश तो यू कैन वॉच अदरवाइज इट्स वेरी वेरी ग्रेन्यूल टफ़ फॉर यू ठीक है इट्स फॉर सी एफ ए लेवल वन एंड इट्स फॉर सी ए फाइनल आर एम एफ एस सी एम ठीक है वो लोग बेनिफिटेड होंगे पार्ट वन इंट्रोडक्शन अगर आप कॉपी करेंगे तो बढ़िया रहेगा कोई कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं सी एफ के जो सुपरबली प्रिपेयर्ड है एंड दे मे फील दैट माई पेस इज स्लो डजेंट मैटर ठीक है तो बिकॉज आई हैव टू टारगेट द वाइडर ऑडियंस और बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है जिनका बहुत पहले किया हुआ याद नहीं है या किया हुआ ही नहीं है ठीक है तो? तो मैं अपने स्पीड से चलूँगा इंट्रोडक्शन किसी को भी फास्ट स्पीड लगता है इन दैट केस वो बाद में कर सकता है यूट्यूब से आ, स्पीड बढ़ा के जब बाद में एस एस या यूट्यूब चैनल पर रहेगा तो उसका समय बच जाएगा इंट्रोडक्शन लेसन प्लीज जो क्रेडिट रिस्क है ना क्रेडिट रिस्क उसका दो कंपोनेंट्स है क्रेडिट रिस्क का दो कंपोनेंट्स है व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स आप लोग जवाब दे दो जिसको पता है सी एफ एलवन के बच्चे जवाब दे सकते हैं वॉट आर द टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ ग्रेट रिस्क एज पर यू नो वैन वी प्रिपेयर फॉर सी एफ ए वी प्रिपेयर वेरी वेरी प्रोफेशनली वॉट हैज दी ऑथर रिटन वॉट आर द टू कॉम्पोनेट्स ऑफ क्रेट रिस्क एज पर दी एफ ए ऑथर वॉट आर द टू कॉम्पोनेट्स ऑफ क्रेट रिस्क एज पर दी एफ ए ऑथर रंजीत कामले इज सेंग डेट सर प्लीज स्पीक इन इंग्लिश सी रंजित वी हैव अ वाइड वैराइटी ऑफ ऑडियंस एंड आई विल हैव टू स्पीक

पी डी एंड एल जी डी प्रॉबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड लॉस गिवन डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या चांस है कि कंपनी अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे नहीं करेगा एंड लॉस गिवन डिफॉल्ट अगर कंपनी डिफॉल्ट करता है इफ़ द कंपनी डिफॉल्ट इन दैट केस हाउ मच विल वी लूज बिकॉज दे सम अमाउंट वी विल रिकवर वॉट इज इट डेट वी विल लूज इक्वल टू वन माइनस रिकवरी रेट वन माइनस रिकवरी रेट ओके एल जी डी इज लॉस गिवन डिफॉल्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड

कोई बोल रहा है एक्सपोजर तो विनीता एक्सपोजर जो है वो एफ आर एम करिकुलम में है सी एफ ए लेवल वन में एक्सपोजर नहीं लिखा हुआ है इनफैक्ट सी ए में भी एक्सपोजर लिखा हुआ है सी एफ एल वन में लिखा हुआ नहीं बिकॉज ये लोग परसेंटेज टर्म्स में ले रहे हैं सो एक्सपेक्टेड लॉस ई एल इज इक्वल टू पी डी इन टू एल जी डी इट्स अ परसेंटेज माउंट तो और एक फैक्टर आएगा दैट कॉल्ड एक्सपोजर एट डिफॉल्ट एक्सपोजर एट डिफॉल्ट तो जो लोग सी ए फाइनल प्रिपेयर कर रहे हैं उनके तीन चीज था पी डी एल जी डी एंड ई एडी मेरा तीन चीज कराए हुआ है सी एफ ए लेवल वन में दो ही लिखा हुआ है तो ऑथरवाइज चल रहे हैं पीडी इन टू एल जी डी प्रॉबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन टू लॉस गिवेन डिफॉल्ट ठीक है ना नाउ इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ क्रेटर बिकॉज इट कैप्चर्स बोथ डिफॉल्ट इंटेंसिटी एंड डिफॉल्ट सीवियरिटी या यू प्लीज अंडरस्टैंड पी डी इज ऑल्सो कॉल्ड डिफॉल्ट इंटेंसिटी पी डी इज ऑल्सो कॉल्ड डिफॉल्ट इंटेंसिटी बिकॉज कभी कभी वर्ड्स के कारण वी मे लूज आउट डिफॉल्ट इंटेंसिटी सो क्रेडिट रिस्क से मैंने एक एरो निकाला कॉम्पोनेंट्स एंड कॉम्पोनेंट्स में पी डी एल जी डी कोई कोई ई ए डी पकड़ सकता है नॉन सी एफ एवल वन कैंडिडेट्स ठीक है ना क्रेडिट रिस्क में इफ़ वी टॉक अबाउट सोर्सेस ओके सोर्सेस तो सोर्सेज में दो लिखा हुआ है वन इज मार्केट लिक्विडिटी एंड द सेकेंड इज डिफॉल्ट मार्केट लिक्विडिटी एंड डिफॉल्ट ओके मार्केट लिक्विडिटी एंड डिफॉल्ट डिफॉल्ट इज ऑब्वियस लेट मी टैकल दैट डिफॉल्ट कैन बी रिलेटेड टू डाउनग्रेड और माइग्रेशन ये दोनों वर्ड समझ में आ रहा होगा कि सर व्हेन वी बॉट द बॉन्ड एट दैट टाइम द बॉन्ड हैड अ क्रेडिट रेटिंग ऑफ ट्रिपल बी प्लस ओके द बॉन्ड हैड अ क्रेडिट रेटिंग ऑफ ट्रिपल बी प्लस एस एज पर एस एन पी एंड फिच स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच का रेटिंग सिंबल सेम है यू मस्ट बी नोइंग ट्रिपल बी प्लस वॉज द रेटिंग ओके सपोज एक बॉन्ड का बट

ट्रिपल बी प्लस से वन नॉच डाउन व्हाट इज द रेटिंग यस विजय ने जवाब दिया है सही so, okay? जवाब है इट्स ट्रिपल बी ट्रिपल बी प्लस ट्रिपल बी ट्रिपल बी माइनस तो वन नॉच डाउन इज ट्रिपल बी वन नॉच डाउन इज ट्रिपल बी ओके वन नॉच डाउन इज ट्रिपल बी जंक इनकरेक्ट जवाब है मनोज राव का जंक इज ए इनकरेक्ट रिप्लाय ट्रिपल बी प्लस के नीचे ट्रिपल बी आता है अभी अपने और डिटेल से पार्ट थ्री में करेंगे क्रेडिट रेटिंग एनी तो इफ़ द क्रेडिट रेटिंग माइग्रेट्स टू अ लोअर लेवल तो इन दैट केस ऑब्वियसली बॉन्ड प्राइस वे फॉल विल फॉल यू आर होल्डिंग अ बॉन्ड एंड अचानक से उसका क्रेडिट रेटिंग गिर गया तो बॉन्ड प्राइस विल फॉल इनफैक्ट बॉन्ड प्राइस तो पहले से ही फॉल कर जाता है रेटिंग डाउनग्रेड के पहले बिकॉज ये रेटिंग वाले तो सोते रहते हैं ना इट्स लाइक द पुलिस इंडियन पुलिस जो कि एक्सीडेंट होने के बाद आते हैं तो दे आर सीवियरली क्रिटिसाइज्ड फॉर द फैक्ट दैट दे लैग वन एवरीथिंग इज हैपन देन मोदीज एंड एस एन पी विल कम आउट फॉर द फैक्ट दैट वी हैव डाउनग्रेडेड दिस वी हैव अपग्रेडेड दिस एंड ऑल दैट यू नो दैट स्टफ वी विल डिस्कस अबाउट इट एट लेंथ तो डिफॉल्ट से रिलेटेड है डाउनग्रेड और माइग्रेशन और मार्केट लिक्विडिटी मार्केट लिक्विडिटी इज रेफरिंग टू द फैक्ट दैट बॉन्ड जो है उसका ज्यादातर कौन सा मार्केट है आई एम टॉकिंग आउट ग्लोबल बॉन्ड मार्केट इज जनरली ओटीसी मार्केट और एक्सचेंज ट्रेडेड आई एम आस्किंग यू द ग्लोबल बॉन्ड मार्केट इज डोमिनेटेड मोर बाय द ओटीसी और बाई एक्सचेंज ट्रेडेड प्लीज गिव मी रिप्लाई ग्लोबल बॉन्ड मार्केट इज प्रिडोमेंटली ओटीसी ओवर द काउंटर और इज इट एक्सचेंज ट्रेडेड ग्लोबल बॉन्ड मार्केट इज इट प्रोडोमिनेटली ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड यस वेटिंग फॉर योर अप्लाई ग्लोबल बॉन्ड मार्केट इज इट ओ टीसी और इज इट एक्सचेंज ट्रेडेड प्रिडोमिनेटली प्रिडोमिनेंटली आई सेड तो स्नेहा का आंसर रॉन्ग है चेतन का करेक्ट है आनंद का करेक्ट है विजय का करेक्ट है अनिता का करेक्ट है रिया का करेक्ट है तुषार करेक्ट है ठीक है साहिल का रॉन्ग है इट्स ओवर द काउंटर ओके डीलर आर देर हो कोट बिड एंड आस्क्रेट्स आई एम नॉट सेंग दैट लिस्टेड बॉन्ड्स नहीं होते हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ ये मैं बोल रहा हूँ प्रिडोमिनेटली बॉन्ड मार्केट इज ओवर द काउंटर मार्केट वे डीलर्स आर देयर सो इफ डीलर्स आर देर एंड सपोज इट सो हैपन्स दैट यू हैव अ बॉन्ड ओके जिसका मार्केट प्राइस लास्ट ट्रेडेड प्राइस वॉज नाइन्टी सिक्स पॉइंट फोर जिसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस वॉज नाइन्टी सिक्स पॉइंट फोर एंड यू वॉन्ट टू सेल द बॉन्ड बट यू आर नॉट एबल टू सेलेक्ट इफ़ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट दैट टाइम You have to sell it at 93.2, 96.4 is the price, but you are able to sell it at 93.2 because there's a lack of liquidity. So, you know, market liquidity market liquidity risk is the risk that, is the risk that you may not be able to sell your bond, okay? Number one, fast speed, number two, at fair price. You have to sell it at a lower price. You will take time to sell it. तो जब भी कोई चीज़ को सेल करने में डिफ़िकल्टी होती है उसको अपने बोलते हैं मार्केट लिक्विडिटी रिस्क मार्केट लिक्विडिटी रिस्क तो सोर्सेज में मैं रिस्क वर्ड लिखना भूल गया आई एम राइटिंग द वर्ड रिस्क डिफॉल्ट रिस्क मार्केट लिक्विडिटी रिस्क तो दिस डिफॉल्ट रिस्क ओके इज अ फंक्शन ऑफ क्रेडिट क्वालिटी क्रेडिट क्वालिटी विच मीन्स जो लोअर ग्रेड बॉन्ड्स है, उनमें रिस्क ज़्यादा होता है ओके okay, उनमें आप ज्यादा फंस सकते हो यू मे नॉट बी एबल टू सेलेक्ट क्रेडिट क्वालिटी जो लोअर रेटेड बॉन्ड है इट डिपेंड्स अपॉन इश्यू साइज इश्यू साइज विच मीन दैट इफ द इशू साइज इज स्मॉल लेस बॉन्ड्स आर आउटस्टैंडिंग ऑब्वियसली लिक्विडिटी इज नॉट देयर बिकॉज मिलेगा कहां बायर सेलर बट इफ द इश्यू साइज इज बिग लॉट ऑफ बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग इन दैट केस बायर सेलर इजीली मिल जाएगा ठीक है सो कोई भी स्टॉक भी जो होता है जिसका फ्लोटिंग स्टॉक कम है उसमें लिक्विडिटी इज़ बैड सो यू नीड द स्टफ न फॉर इट टू बी बॉट एंड सोल्ड इफ़ द स्टफ़ इज नॉट देर हाउ डू यू बाय एंड सेल तो क्रेडिट क्वालिटी लोअर इश्यूज का लिक्विडिटी रिस्क ज़्यादा होगा लिक्विडिटी कम होगा मैंने लिक्विडिटी रिस्क ज़्यादा कंफ्यूज मत होना ना इशू साइज़ अगर हायर तो लिक्विडिटी रिस्क विल बी हायर बिकॉज लिक्विडिटी विल बी लोअर सॉरी इशू साइज़ अगर हायर होगा हायर तो लिक्विडिटी हायर लिक्विडिटी रिस्क लोअर ठीक है इशू साइज शुड बी हाई क्रेडिट क्वालिटी शुड बी हाई ठीक है तब जाके लिक्विडिटी हायर लिक्विडिटी रिस्क लोअर देन इट डिपेंड्स अपॉन योर अभी क्रेडिट साइकिल क्या चल रहा है क्रेडिट साइकिल विच मीन्स इज द मार्केट कंड्यूसिव फॉर बॉन्ड्स और इज द मार्केट नॉट कंड्यूसिव जैसे कोरोना जैसे ही स्ट्राइक किया तो द बॉन्ड मार्केट कंप्लीटली ड्राइड अप द बॉन्ड मार्केट कंप्लीटली ड्राइड अप ओके अपर लेस ट्रेडिंग इन द बॉन्ड मार्केट द लिक्विडिटी बिकेम कंप्लीटली ड्राइड अप ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कि ट्रेडिंग कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है इफ़ द ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी इज हाई लिक्विडिटी इज हाई इफ द ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी इज लो लिक्विडिटी इज लो डिपेंड्स ऑन मार्केट मेकिंग एक्टिविटी मार्केट मेकिंग एक्टिविटी विच मीन्स दैट इज अ लॉट ऑफ मार्केट मेकिंग गोइंग ऑन मेनी डीलर्स व कोटिंग बिडास क्रेट्स हाई कॉम्पिटिशन तब लिक्विडिटी हाई है बट देर आर ओनली फ्यू डीलर्स हुर डीलिंग इन द बॉन्ड तो ऑब्वियसली दे विल कोट वेरी वेरी वाइड बिडास्क स्प्रेड ओके तो लिक्विडिटी इज टोटली रिलेटेड टू द बिडास्क स्प्रेड तो मार्केट मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो क्रेडिट क्वालिटी इश्यू साइज क्रेडिट साइकिल ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी मार्केट मेकिंग एक्टिविटी ओके ऑल दिस डिटमिन द लिक्विडिटी रिस्क दैट इज देयर इन द बॉन्ड सो वॉट एव आई रिटन अपटिल नाउ लेट सी वंस अगेन सो आई हैव रिटन कि क्रेडिट रिस्क का दो पार्ट्स है एक है काम्पोनेंट्स और एक है सोर्सेस आई थिंक क्लियरली दिख रहा नहीं होगा एक है कॉम्पोनेट्स और एक है सोर्सेस कॉम्पोनेंट्स में वी हैव पी डी एंड एल जी डी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड लॉस और सोर्सेज में वी हैव मार्केट लिक्विडिटी रिस्क डिफॉल्ट रिस्क डिफॉल्ट रिस्क इज डाउनग्रेड माइग्रेशन से कनेक्टेड और मार्केट लिक्विडिटी रिस्क इज दिस वन थिंग आई फॉगॉट टू से मैं मैंशन कर रहा हूँ यहाँ पे इस पार्ट में कॉम्पोनेंट्स वाले पार्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिसन केयरफुली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन वी डिस्कस क्रेट रेटिंग हुज आइडिया यू हैव यू नो दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आई जी एंड एस जी आई होप यू नो द फुल फॉर्म इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड स्पेक्यूलेटिव ग्रेड बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड स्पेक्यूलेटिव ग्रेड बॉन्ड्स तो जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स हैं न उनमें पी डी इज द मेन कंसर्न पी डी इज द फोकस Speculative grade bond mein LGD is the focus. Very very important for you to remember. This is highly testable. Investment grade jo badhiya bonds hai na unme ज़्यादा focus hai PD pe kya chance hai default hone ka और जो speculative grade bond है, उनमें ज़्यादा focus है recovery पे, कितना recover होगा, because वो तो default करने वाले ना बहुत ज़्यादा चांस है. तो recover कितना होगा, तो loss कितना होगा उसपे important. This is important. Investment grade bond, me PD is the focus. When I say is the focus, I obviously mean to say LGD is also important, but PD is the focus. Speculative grade bond, me LGD is the focus. PD is less important. Okay, so this is very very important for you to remember. Okay, okay. So I have written this first slide down. This was the introduction section from our side. Part one is over. Okay, we are moving to part two. What was part two? Part two was capital structure and seniority.

While teaching CFA classes, because that is what is required for them to interpret the questions that come. Okay? So we focus more on English, and the crowd is also that which uh, 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 prefers English. So we have capital structure and seniority. Okay. Now, what is capital structure? Obviously, capital structure refers to the balance sheet liability side, balance sheet liability side sources of finance. Who has funded the company? Equity, preference, debt. Within debt, how many types of debt? Seniority. You know, when a company becomes bankrupt, when a company becomes bankrupt, then when it has to satisfy the debt holders, all the debt holders are not ranked at the same level. There is a seniority that takes place. At a very, very uh, macro level, you can understand there are two types of debt one is secured, the other is unsecured. देर इज सिक्योर्ड डेट देर इज अनसिक्योर्ड डेट इसका मतलब मोरल एस एवरीबडी अंडरस्टैंड सिक्योर्ड डेट इज द डेट वेर सम स्पेसिफिक एसेट्स आर देर ओके अगेंस्ट विच द डेट हैज बीन रेज्ड वेल अनसिक्योर्ड डेट नो स्पेसिफिक एसेड्स आर मोटिगेज ऑर ली एंड अगेंस्ट सो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड ऑब्वियसली सिक्योर्ड कम्स प्रायर अनसिक्योर्ड कम्स लेटर ओके सो द हायर आर की आई मे जस्ट शो दायर आर की यू मे नोट इड डाउन इफ यू वॉन्ट टू We have secured and we have unsecured. Secured and unsecured debt. Secured may we have several layers as in first lien, second lien, third lien, senior secured. अब सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है सीनियर अनसिक्योर्ड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज वेन वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेटिंग क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिलायंस का एक पर्टिकुलर डेट का नहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेटिंग क्या है तो इट इज द सीनियर अनसिक्योर्ड का रेटिंग सीनियर अनसिक्योर्ड का रेटिंग दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है सीनियर सीनियर अनसिक्योर्ड ओके और उसके नीचे ऑब्वियसली वील हैवील सीनियर सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट वर्ड ही लग रहा है ना कि सीनियर अनसिक्योर्ड को देने के बाद देन वी हैव सबॉर्डिनेट देन वी मे हैव जूनियर सबॉर्डिनेट जूनियर सब जो लोग आईबीसी का काम करते हैं ओके okay? बैंकसी का काम इंडिया में दे नो मोर डिटेल्स अबाउट इट इट्स वेरी लीगल पीपल ऑफ सी ए फाइनल हु आर डूइंग लॉ ओके दे हैव मोर डिटेल्स अबाउट इट बट दिस इज नॉट लॉ गोइंग ऑन सो दिस इज प्राइम अफे शस्ट ऑफ गोइंग ऑन सो टेल यू समथिंग इफ वी टॉक अबाउट दिस डेट एंड The asset backing the debt, asset backing the debt, is sold for 40 million, 40 million rupees, while the debt is of 60 million rupees. चालीस मिलियन पे asset bika जब कंपनी bankrupt हुआ डिफॉल्ट किया और 60 मिलियन का फर्स्ट लियन डेट था एक बार आप सेकेंड थर्ड और सीनियर अनसिक्योर्ड को भूल जाओ ओके यू डोंट पे अटेंशन टू

First lien holders will get 40 or 60. Please tell me. The holders of first lien will they get 40 or 60? So obvious. Jawab aana tha, koi wrong bol sakta hai. The answer is 40. And what will happen to the remaining 20? Option number one. Option number one. Sir, the remaining 20 million shall become a part of senior unsecured. ओके माने फर्स्ट लियन वाला इसके साथ आके कटोरा ले लेगा ठीक है कि भाई जो बचे मेरे को दे देना और या फिर ट्वेंटी मिलियन इज गॉन ऑप्शन नंबर टू मी ऑप्शन वन और ऑप्शन टू ऑप्शन वन सर फर्स्ट लियन होल्डर फॉर द रिमेनिंग ट्वेंटी मिलियन विल क्यू अप विद सीनियर अनसिक्योर्ड इट बिकम्स अ जनरल ऑब्लिगेशन और सर ट्वेंटी मिलियन इज गॉन प्लीज टेल मी ऑप्शन वन और ऑप्शन टू ऑप्शन वन और ऑप्शन टू आई सेड ऑप्शन वन ट्वेंटी मिलियन के लिए फर्स्ट लेन विल क्यू अप विथ सीनियर अनसिक्योर्ड एंड अदर इज़ फॉर 20 मिलियन इट इज गॉन सो ऑप्शन वन और ऑप्शन टू चेतन बोल है ऑप्शन वन आयुष भी ऑप्शन वन बोल रहा है वैभव ऑप्शन वन आनंद बोल रहा है ऑप्शन टू विजय ऑप्शन वन तुषार ऑप्शन वन रीना ऑप्शन वन ओके सो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर जो सिक्योर्ड डेट है अगेंस्ट स्पेसिफिक एसेट्स वो स्पेसिफिक एसेट को बिक के जो पैसा आएगा वो तो उनके पास जाएगा ही एंड इफ दे रिमेन अनपेड देन दे स्टैंड इन लाइन विथ सीनियर अनसिक्योर्ड डेट दे स्टैंड इन लाइन विथ सीनियर अनसिक्योर्ड डेट फॉर द रिमेनिंग अमाउंट अंडरस्टेंड सो इफ सपोज आउट ऑफ द जनरल एसेट्स आउट ऑफ द जनरल एसेट्स इट्स डिसाइडेड दैट फोर्टी परसेंट रिकवरी रेट है फोर्टी परसेंट फाइव हंड्रेड मिलियन का 40 परसेंट रिकवरी रेट है ये 500 मिलियन है मान लेते सॉरी दिस इज 500 मिलियन सो आई मीन टू से 40 परसेंट रिकवरी रेट है तो वो जो फर्स्ट लियन को 20 मिलियन नहीं मिला था ना 20 मिलियन का 40 परसेंट एट मिलियन दे विल आल्सो गेट सेपरेटली इफ द रिकवरी रेट लेटर ऑन इज फाउंड टू बी फोर्टी इन दैट केस एवरी बडी हुज़ अ पार्ट ऑफ सीनियर अनसिक्योर्ड एंड ऑल्सो फर्स्ट लियन इज अ पार्ट ऑफ सीनियर अनसिक्योर्ड गेट्स फोर्टी ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ट्वेंटी दैट इज एट मिलियन

एप्सोल्यूट प्रायोरिटी रूल इसको अपने बोलते हैं एप्सोल्यूट प्रायोरिटी रूल हावेवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस रूल विल फॉलोड कहने का मतलब है क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट लिगन को ट्वेंटी मिलियन नहीं मिलेगा और पैसा सीनियर अनसिक्योर्ड को मिलना चालू हो जाएगा येस yes, ऐसा हो सकता है बिकॉज वेन अ कंपनी बिकम्स बैंक दर निगोसिएशन दैट गोज ऑन बिटवीन ऑल द डेट कैटेगरीज

Could be broken, could be broken either by way of negotiation or by way of court order. Either by way of negotiation or by way of court order. I repeat, sir, ye jo seniority ranking. Hai, kya? Hi follow hota hai? No. There could be exception. What are the exceptions? Number one, negotiation between these people. They can agree to some other terms wherein the junior gets pale than the senior or because of court order. Let me see how much of you are aware. Let me see how much of you are aware which company ka IBC Proceedings in India uh, disrespected the, disrespected the absolute priority rule and was challenged in Supreme Court and the Supreme Court upheld the absolute priority rule. in India, in the last six months, there was a company in which High Court,

Uh, यहाँ पे uh, वरुण धवन एंड अपने डांस करेंगे तो आपको गलत लग रहा था दिस इज अ सीरियस क्लास वेरी बडी फेल्ट एंड मजा नहीं आ रहा यार तो तेरा मजा देने हम बैठे भी नहीं है आई एम नॉट सेटिंग ओवर गई टू डिस्ट्रीब्यूट द मजा फॉर दैट पर्पज यूट्यूब इज देर यू कैन लिसन टू वीडियोज यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स एंड डांस एंड कॉमेडी यू नो आई एम नॉट दैट पर्सन किस कंपनी में ऐसा हुआ था नो 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 पीपल आर सेंग डी एफ एच एल येस बैंक रिलायंस कम्युनिकेशन नो

तो क्रेडिटर्स में खुद में दम है निगोसिएशन या कोर्ट में दम है जो लिक्विडेटर है वो ये सब नहीं कर सकते ठीक है तो इट हैपन इन द केस ऑफ एस आर स्टील ठीक है यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ अप ऑन इट या वीडियो ऑन इट ऑल्सो एस आर स्टील केस में क्या हुआ था मैं ऑब्वियसली उसके अंदर नहीं जा सकता हूं तो दिस इज द कैपिटल स्ट्रक्चर दिस थिंग ओके ऑफकोर्स यू शुड ऑल्सो नो समथिंग कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट दिस वॉज नॉट कवर्ड इन माई क्लास सी एफ ए इलेवन स्टूडेंट नॉट कवर्ड इन क्लास पे पे टूड debt structure very important cfa level 1 students this was not covered in my class please pay attention debt structure now there is a holding company there is a holding company and this holding company has subsidiaries so holding company issues debt holding company issues debt Subsidiary company issues debt. Holding company issues debt. Subsidiary company issues debt. Usually, the rule is that the cash flows of the subsidiary shall be first used to meet the debt claims of the subsidiary, and only then can they be used to meet the debt claim of the holding company. I will repeat in Hindi also. सब्सिडरी कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पहले सब्सिडरी कंपनी के डेट को चुकाने में काम आएगा और अगर उसके बाद पैसा बचा तो जाके वो होल्डिंग कंपनी के डेट के चुकाने में काम आएगा ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल सबॉर्डिनेशन स्ट्रक्चरल सबॉर्डिनेशन दिस इज दर्ड यूज स्ट्रक्चरल सबॉर्डिनेशन स्ट्रक्चरल सबॉर्डिनेशन एक तरह से जो होल्डिंग कंपनी का डेट है दैट इज सबॉर्डिनेट होल्डिंग कंपनी का डेट इज सबॉर्डिनेट टू द सबसिडरी कंपनी का डेट वाई बिकॉज सब्सिडरी कैश फ्लो शैल बी फर्स्ट यूज टू मीट द डेट क्लेम ऑफ द सबसिडरी एंड देन इफ दे आर लेफ्ट दे बी यूज टू मीट द डेट क्लेम ऑफ द होल्डिंग द वर्ड इज स्ट्रक्चरल सबॉर्डिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी एफ ए लेवल वन स्ट्रक्चरल सबॉर्डिनेशन हाउ इज इट रेलिवेंट फॉर सी ए फाइनल आर एम और एफ एस सी एम स्टूडेंट्स वेन दे आस्क यू एडवाइज ना रिगार्डिंग वॉट शुड बी दिस वॉट शुड बी दैट इन अ केस स्टडी इफ यू हैव ऑफ नॉलेज यू कैन थ्रो दीज टर्म्स ओके यू कैन थ्रो दीज टर्म्स समटाइम्स वन एडवाइज इज आक्स्ट मोर नॉलेज हेल्प इन गिविंग द एडवाइस स्ट्रक्चरल सबॉर्डिनेशन ऑफ द होल्डिंग कंपनीज डेट वेन हैम टू दिस लेट बी ऑल्सो क्लियर वन थिंग और एक चीज बता रहा हूँ देर इज समथिंग कॉल्ड रिस्ट्रिक्ट वर्सेस अनरिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड वर्सेस अनरिस्ट्रिक्टेड सब्सिडरी वन सगेन सी एफ एलवन पीपल नॉट कवर्ड इन क्लास दिस वन वाज लेफ्ट बाय मी रिस्ट्रिक्टेड वर्सेस अनरिस्ट्रिक्टेड सब्सिडरी इसमें क्या होता है दिस इज द होल्डिंग कंपनी दिस इज सब वन दिस इज सब टू दिस इज सब थ्री ओके नाउ दिस सब वन इज सपोज रिस्ट्रिक्टेड

बट दिस इज अनरस्ट्रिक्टेड मतलब दिस सब्सिडरी इज नॉट बाउंड इट्स फ्री फ्रॉम द डेट ऑफ द होल्डिंग कंपनी तो स्ट्रक्चरल सबॉर्डिनेशन स्ट्रक्चरल सबॉर्डिनेशन इज देयर इन द केस ऑफ द अनरिस्ट्रिक्टेड नॉट इन द केस ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड ओके रिस्ट्रिक्टेड में सब्सिडरी कंपनी इज बाउंड बाय द डेट ऑफ द होल्डिंग कंपनी अनरिस्ट्रिक्टेड में सब्सिडरी कंपनी डजेंट मैटर कि होल्डिंग कंपनी किस टर्म्स में डेट रेस किया था सब्सिडरी कंपनी के नॉट बी टच्ड टू मीट द डेट ऑफ द होल्डिंग कंपनी अनलेस सब्सिड्री कंपनी है सेटिसफाइड इट्स ओन डेट उसके बाद मीट कर सकते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या जो बच्चा लोग है सब्सिड्री वो जो पापा ने ओके कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या बच्चा उसके लिए लाइबल है ये yes, रिस्ट्रिक्टेड में है पर अनरिस्ट्रिक्टेड में बच्चे को पापा के डेट से कोई मतलब नहीं है आई एम सॉरी फॉर द इ लॉजिकल एग्जाम्पल बट जस्ट टू कम्युनिकेट माई सेल्फ ठीक है सो डेट स्ट्रक्चर Also, matters over here. Of course, these are very legal things. When you actually droop down to realities of uh, how these are tackled in real life under IBC, there is much, much, and I don't specialize in that. I am just giving you a hint regarding what idea of senior subordination, what idea of restricted versus unrestricted debt, there would be gray areas or loopholes over here which a CA final student can further investigate based on his knowledge of law, surfecy, and all that. Okay. Yes. कुशाग्रा इज सेंग द रिस्ट्रिक्शन इज क्रिएटेड फॉर इच डेट और ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द सब्सिड्री वंस अगेन लीगल हो गया ये बोल रहे हैं क्वेश्चन बहुत सही है इनका कि सब्सिडरी जब क्रिएट होता है तब रिस्ट्रिक्टेड अनर रिस्ट्रिक्टेड होता है और सब्सिडरी का जितना डेट है वो रिस्ट्रिक्टेड अनरस्ट्रिक्टेड इट्स एट द सब्सिडरी लेवल टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बट आई में भी रॉन्ग इट्स एट द सब्सिडरी लेवल टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बट आई मे भी रॉन्ग ठीक तो है तो फ्रॉम अ नॉलेज नॉलेजेक्टिव अधूरा डिस्कशन है बट फ्रॉम सी एफ ए लेवल वन पर एग्जामिनेशन पूरा डिस्कशन है ठीक है ना तो लॉ वाइज अधूरा डिस्कशन है बिकॉज आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इन दिस रिगार्ड सो दिस अ डिस्कशन ऑफ दिस मैन और दो तीन टर्म्स भूल गया बता देता सपोज लिसन केयरफुली प्लीज आई एम यूजिंग अ टर्म कॉल्ड पैरी पैसो ये बहुत जन को पता है क्लास में भी कवर्ड हुआ था पैरी पैसो का मतलब होता है कि जो सीनियर अनसिक्योर्ड डेट है वो सपोज दस साल पहले इशू हुआ था पाँच साल पहले इशू हुआ था दो साल पहले इशू हुआ था तो सीनियर अनसिक्योर्ड में अलग अलग टाइप का बॉन्ड है अलग अलग टाइप का बॉन्ड है कोई दस साल पहले का पाँच साल पहले का दो साल पहले का इफ दे आर ऑल सीनियर अनसिक्योर्ड दे विल रैंक पैरी पैसो यानी इन सब का रिकवरी रेट क्या होगा सेम अगर इन सबको 40 परसेंट देंगे तो 40 परसेंट ही देंगे इट इज नॉट दैट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो 10 साल पहले इशू हुआ था उसको ज्यादा दिया जाएगा नो पैरी पैसो इन द सेम लेवल ऑल बॉन्ड्स विल रैंक इन द सेम लेवल एंड दे विल बी गिवन सिमिलर ट्रीटमेंट एट द सेम लेवल पेरी पैसो पैरी पैसो देर इज ऑल्सो वर्ड कॉल्ड क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन देर इज ऑल्सो वर्ड कॉल्ड क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन का मतलब कोई बताएगा वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन मनीष मेरे को सबऑर्डिनेट फिर से समझाना बोल रहा है मनीष ये वाला पार्ट जो है जैसे क्लास चलते हुए अभी देर आटी मिनट टेकन प्लेस यू प्लीज रिवाइज द वीडियो फॉर थर्टी फाइव मिनट्स के बीच में एंड यू विल फाइंड द सेम स्टाफ ना क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में रिपीट किया था तो ये वाला पोर्शन आप वापस देख लीजिएगा आई सेड क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन का मतलब क्या होता है सबडी नोस What is the meaning of cross default provision? What is the meaning of cross default provision? This is a good thing happening. Many a times the CA students are confused regarding CFA level one तो cake walk है, time pass hai easy hai to aapko pata chalta hai कि CFA में किस तरह से dig करके किस चीज पढ़ाई जाती है? और plus multiple choice आते हैं तो boring भी नहीं लगता है। Cross default provision, cross default provision का मतलब क्या हुआ? Yes anyone? what is the meaning of cross default provision what is the meaning of cross default provision okay there's a professor who has joined us from uh, jamal mohammed college sir i am deeply uh, humbled as a result of you listening to me okay uh, and uh, i hope that you are doing well your family is doing well and uh, वी आर डूविंग एल गुड नॉलेज शेयरिंग ऑफर ओके सर डीप रिगार्ड्स टू यू सो क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन का मतलब मुस्कान ने लिखा है इफ ए बॉन्ड डिफॉल्ट इन वन कैटेगरी संतोष ने सही लिखा है सही है क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन का मतलब होता है कि अपने चुन चुन के किसी के साथ बदमाशी नहीं कर सकते होता है ना ऐसा तुमने सुना होगा यू मस्ट है पर्सन अर्सन में फैमिली वाइज बोल रहा हूँ पर्सन बिकम्स बैंक करप्ट ठीक है तो सारे के सारे क्रेडिटर्स उसको परेशान कर रहे हैं परेशान कि गिव माई मनी बैक गिव माई मनी बैक ना उनमें से कुछ क्रेडिटर्स गुंडे टाइप है गुंडे ठीक है दे आर वेरी बैड द वेरी पावरफुल एंड यू नो इफ देयर डेट इज नॉट पेड वो लोग इसको उड़ा देंगे तो ये क्या करता है उन लोग को तो पैसा देते हैं और बाकी लोग शरीफ लोग का पैसा मार लेते हैं ये रियल लाइफ में होता है ना कि शरीफों का पैसा मार लिए एंड द विकेड वंस एंड वी हैव टू पे दैम दैट विल नॉट रन क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन मतलब

तो वैसा कुछ एक दोहा था कबीर दास का कि दुर्बल जो वीक है ना उसको उतना ज़्यादा मत सताओ तो क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन इज टू प्रोटेक्ट द वीक पीपल टू प्रोटेक्ट द दुर्बल ओके फ्रॉम बींग सिंगल डाउट एंड एक्सप्लॉयटेड बाय द कंपनी ओके सो क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन पैरी पैसो सीनियर स्ट्रक्चरल सबॉर्डिनेशन दीज आर द टर्म्स दैट शुड बी नोन एब्सोल्यूट प्रायोरिटी सो इफ द स्टूडेंट हैज रिटन द टर्म्स एटलीस्ट लेटर ही विल बी एबल टू सी या मेरे को मतलब पता है ना ठीक है मेरे को मतलब पता है ना और रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैंने पार्ट टू में लिखा है ठीक है ओके नाउ वी कम टू नाउ वी कम टू सॉरी कहाँ गया नाउ वी कम टू पार्ट थ्री ओके दिस इज अ रिव्यू क्लास गोइंग ऑन सो आई एम नॉट डिक्टेटिंग एज आई यूजअली डू तो मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूं पार्ट थ्री इज क्रेडिट रेटिंग द इजिएस्ट डिस्कशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सी ए फाइनल स्टूडेंट्स तो जो भी सी ए फाइनल स्टूडेंट शुरू में ज्वाइन किया था और वो निकल गया बिकॉज को बोरिंग लग रहा था कंसेप्चुअल लग रहा था ठीक है कि बहुत हार्ड है तो इन दैट केस वो ये वाला पार्ट मिस करने वाला है ओके लेसन पार्ट थ्री क्रेडिट रेटिंग पार्ट थ्री क्रेडिट रेटिंग इट सीम्स पीपल हैव रिटर्न समथिंग बिफोर आई स्टार्ट दिस पोर्शन लेट मी सी द चैट मनीष कुमार ने दोहा लिखा है दुर्बल को ना सताइए वहाँ की मोटी हाय बिना सांस की चाम से लोहे क्या लोह भसम हो जाए यस यही वाला याद कर रहा था कि बचपन में किया हुआ था तो इट्स इट्स राइट नाउ टॉक्ट अबाउट ये वाला जो दोहा है ना ये पी एस यूज के बारे में बोला जाता है पंजाब नेशनल बैंक शेय का दाम बीस रुपया बैंक ऑफ बड़ौदा तीस रुपया क्या हो गया ऑल दी एस यू स्टॉक्स लाइक बैटेड लाइक एनीथिंग बोले दुर्बल का जब ये गति करोगे ना तो पी एस यू स्टॉक्स द मार्केट लाइक एनी कोई भी चीज का अति होता है ना अति ठीक है रिया ने कुछ पूछा इफ द इश्योर फेल्स टू पे टाइमली पेमेंट ऑन वन डेट द इन्वेस्टर विल ऑल्सो एक्सपेक्ट द इश्योअर टू डिफॉल्ट ऑन द अदर डेट ओके यू एट शेयरिंग द मीनिंग ऑफ क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन ओके अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है Chin, कौन पूछ रहा है चिदानंद अनसिक्योर्ड मींस देर नो स्पेसिफिक एसेट अगेंस्ट विच जैसे डेट रेस किए पर उसके अगेंस्ट में कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी है कि यह प्रॉपर्टी से यह डेट सिक्योर्ड है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का तो मतलब सब जानते हैं ना तुमने लोन लिया बैंक से तो उसके अगेंस्ट में कुछ चीज दिया तो वो सिक्योर्ड है और तुमने कुछ नहीं दिया वो अनसिक्योर्ड है क्रेडिट कार्ड जैसे जनरी अनसिक्योर्ड होते हैं ठीक है ओके okay, तो ये लोग डाइवर्ट करें बोले सर पी एस यू स्टॉक्स डिविडिट भी अच्छा देते हैं रशिव दमानी पूछ रहा है वेन विल द क्लासेज ऑफ सी एफ ए लेवल वन ऑगस्ट ट्वेंटी वन एक्सपेक्टेड टू कमेंट्स रिशव दैन यू आर मिसटेक इन यू नो सी एफ एलेवन क्लासेज जो है वो मेरी ली जा चुकी है द प्रोडक्ट इज रेडी आई कीप ऑन एडिंग एंड मॉडिफाइंग द सेम इट डजेंट हैपन दैट आई टेक द क्लासेज अगेन बिकॉज द क्लासेज अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव ओके कैन नॉट बी टेक इन अगेन दे डू नॉट टेक प्लेस अगेन ठीक है सी एफ एलेवन क्लासेस ओके चलिए या yeah, सौरभ बोल रहा है एफ आर एम स्टूडेंट है सर अनसिक्योर्ड मींस नो कोल करेक्ट ठीक है चलिए आगे बढ़ू मैं क्रेडिट रेटिंग नाउ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का इतना ज्यादा बुराई इतना ज्यादा ड्रॉबैक ठीक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैव बीन सो मच सीवियरली क्रिटिसाइज्ड इन द सब प्राइम क्राइसिस इन आई एल एफ एस क्राइसिस इन येस बैंक क्राइसिस इनफैक्ट से हैड इन इंडिया फाइंड क्रिसल एकरा फॉर देयर मिसकॉन्डक्ट इन द केस ऑफ डी एफ एच एल येस बैंक और ये सब क्राइसिस में कि वॉट एव दे डन एफ एस सी ए में जो केस स्टडी आया था सी ए फाइनल में दैट वॉज ऑन आई एल एफ एस ओनली कि जितना ख़राब से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने किया तो क्रेडिट रेटिंग डिस्कस कर रहे हैं नाउ क्रेडिट रेटिंग में सबसे पहले यू शुड नो दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ रेटिंग वन इज इफ यू आर कॉपिंग इश्यूअर द अदर इज इश्यू Issuer rating, issue rating, issuer rating is called corporate family rating. Issue rating is called corporate credit rating. CFR, CCR. Issuer rating, issue rating. abhi abhi maine bola tha the issuer rating is applicable to senior unsecured, senior unsecured. Okay? और जो issue rating है वो तो अलग-अलग debt का अलग-अलग rating है ना? जो issue rating है वो अलग-अलग debt का अलग-अलग rating है। नाउ यू नो रेटिंग्स में रेटिंग्स में वी हैव एस एन पी ऑब्लिक फिच बिकॉज इनका सेम रेटिंग ऑब्लिक मैंने सेम कंपनी नहीं अलग अलग कंपनी है एंड ऑन दी अदर हैंड वी हैव मोदीज वी हैव मोदीज यू शुड बी नोइंग दिस यू मस्ट नो दिस क्रिसल हैज अटेक ऑफ एस एन पी एंड इक्रा हैज अटेक ऑफ मोदीज ठीक है इंडिया में जो क्रिसल है उसमें एस एन पी का सारा नॉमिन क्लेचर फॉलोअ है और इंडिया में जो एक रहा है उसमें मोदीज का नाउ द रेटिंग्स दैट वी हैव द रेटिंग्स आई एम राइटिंग डाउन द रेटिंग्स ट्रिपल ए ए स्मॉल डबल ए डबल ए प्लस डबल ए डबल ए माइनस ए प्लस ए ए माइनस ट्रिपल बी प्लस आई एम सॉरी फॉर राइटिंग ऑल ऑफ द सेम बट बहुत हेल्प करेगा अपने को ट्रिपल बी ट्रिपल बी माइनस यहाँ तक का जो रेटिंग है दैट इज यहाँ तक का जो रेटिंग है दैट इज कॉल्ड आई जी ये पूरा का पूरा इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड आई जी इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग्स इसके नीचे जो रेटिंग्स है इसके नीचे जो रेटिंग्स है बी प्लस बी बी माइनस देन वी हैव ट्रिपल सी प्लस ट्रिपल सी ट्रिपल सी माइनस देन वी हैव सी ओके सी ये कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सेवनटीन ओके तो दस दस होता है ना एक दो तीन चार पाँच छः नहीं मैंने गलती किया है यहाँ पर आई थिंक इट्स डबल सी प्लस डबल सी डबल सी माइनस एंड देन वी हैव सी एंड देन फाइनली वी हैव वॉट डी ओके तो टेन टेन का लेवल्स है देखिए शुरू में टेन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन उसके बाद टेन है एंड देन वी हैव डिफॉल्ट ठीक है और इनका जो रेटिंग्स है ना मोदीज का तो टेन बी समिंग मोदीज का ने अभी इंडिया का रेटिंग डाउनग्रेड किया था ना क्या कर दिया लेट सी कितना नॉलेज है मोदीज ने अभी इंडिया का रेटिंग डाउनग्रेड किया था लास्ट वीक मंडे को क्या कर दिया रेटिंग हाउ पेट्रियोटिक यू आर लेट सी मोदीज ने इंडिया का रेटिंग डाउनग्रेड किया था तो रेटिंग क्या कर दिया था मोदीज ने इंडिया का रेटिंग जो डाउनग्रेड है क्या कर दिया था इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड स्पेक्यूलेटिव तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का लास्ट रेटिंग मोदीज ने कर दिया था वन नॉच लोअर वन नॉट लोअर सब बड़ी राइटिंग डबल बी माइनस डबल बी माइनस मोदीज का रेटिंग ही नहीं है शिवेश ओके मोदीज का डबल बी माइनस होता ही नहीं है अनिता डबल बी माइनस मोदीज का होता ही नहीं है रोहित सेन ट्रिपल बी थ्री ठीक है दैट मीन्स योर नॉलेज इज लैकिंग दैट मीन्स योर नॉलेज इज लैकिंग सो हैव अ लुक इसलिए नॉलेज कितना जरूरी है जानना ए वन ए ए टू ए थ्री ए वन ए टू ए बी डबल ए वन बी डबल ए टू बी डबल ए थ्री ये इंडिया का रेटिंग मोदीज ने इधर से इधर कर दिया दिस इज इंडिया का रेटिंग एज पर मोदीज बी डबल ए थ्री वी आर एट द थ्रेश होल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड के थ्रेश होल्ड में है अभी भी अपने जंक बने नहीं है ठीक है बी डबल ए थ्री दिस इज इंडिया का रेटिंग डन बाय मोदीज एस एन पी और फिच ऑलरेडी यहां पे ऑपरेट कर रहे हैं देफ इट वाज नॉट अ मेजर न्यूज फॉर द मार्केट बिकॉज एस एन पी एंड फिच ऑलरेडी हैव डबल बी माइनस विच इज कंपेरेबल टू बी डबल ए थ्री सो मोदीज वॉज सपोज टू डू इट मोदीज हमेशा लैक करता है ठीक है मैं मोदी का बात नहीं कर रहा मोदी तो बहुत प्रोएक्टिव है मोदीज इन्वेस्टर सर्विसेज लैक करता है नॉर्मली पीछे रहता है ये ये सब करने में तो बी डबल ए थ्री इज द रेटिंग इट वॉज नॉट अ मैसेव न्यूज फॉर द मार्केट बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी अंडरस्टूड बे द मार्केट दैट विल हैपन ओके और इसके नीचे क्या होगा आप समझ सकते हैं बी ए वन बी ए टू बी ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी डबले वन सी डब्ल टू सी डब्ल थ्री सी एंड डी सो दीज आर द रेटिंग्स बाय मोदीज ओके पूछ रहे वाई मोदीज है डिफरेंट रेटिंग स्टाइल सबका नाम अलग अलग क्यों होता है तुम्हारा नाम शिवेश है किसी का नाम सिद्धार्थ है सबका नाम एक ही रख दें ओके okay. रेटिंग सिंबल्स है उसका मन वो अलग स्टाइल फॉलो करता है व्हाट इज द प्रॉब्लम ठीक है ना किसी का फेवरेट कलर ब्लू है किसी का रेड है वह ऐसा कोई बात थोड़ी है तो दीज आर द रेटिंग सिंबल्स एंड इट्स अ ग्रेट थिंग इफ यू नो द रेटिंग सिंबल्स ठीक है दीज आर द रेटिंग सिंबल्स नाउ ये जो रेटिंग सिंबल्स है इनमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड हो गया और ये हो गया स्पेक्यूलेटिव ग्रेड स्पेक्यूलेटिव ग्रेड और जंक और नॉन इन्वेस्टमेंट नॉन इन्वेस्टमेंट दिस इज द वर्ड वी यूज नाउ फ्रेंकली स्पीकिंग वट आई बने वाई इज दिस क्लासिफिकेशन सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज लेसन केयरफुली लेसन केयरफुल जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उसमें पहला स्टेप होता है प्लानिंग और प्लानिंग में वी ड्रॉ द क्लाइंट्स आई पी एस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट क्लाइंट का आर आर टी टी एल एल यू रिस्क ऑब्जेक्टिव रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइम हॉराइजन टैक्स लीगल लिक्विडिटी यूनिक ठीक है सी एफ एलेवन पीपल को बढ़िया से पता है ये तो जब आई पी एस ड्राफ्ट करते हैं ना तो बहुत सारे पेंशन फंड्स बहुत सारे पेंशन फंड्स, पेंशन फंड्स आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन आई जी नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन स्पेक्यूलेटिव ग्रेड बहुत सारे पेंशन फंड्स एज पर देयर आईपीएस आर नॉट अलाउड टू पुट मनी इन जंक बहुत सारे इंडाउमेंट फंड्स आर नॉट अलाउड टू पुट द मनी इन जंक सो द क्लासिफिकेशन बिकम सो इंपॉर्टेंट देफो तो इसका लिक्विडिटी हाई है इसका लिक्विडिटी इज़ वेरी हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड का लिक्विडिटी इज़ हाई बिकॉज मैनी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट ओनली इन द इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड दे फो दे फो दे फो जो समझ सके ये पॉइंट जो बोलने जा रहा हूं,

बी प्लस का दाम बहुत गिरा हुआ रहता है क्यों बिकॉज पेंशन फंड वगैरह से पैसा लगाते नहीं है और दाम गिरा रहता है मतलब यील्ड बढ़ा रहता है दाम गिरा रहता है मतलब यील्ड बढ़ा रहता है तो मतलब इतना बढ़िया फैंटेस्टिक होता है इफ सबडी डज बॉटम ऑफ फिशिंग डज अ गुड एनालिसिस ऑफ द कंपनी द वे विल डू इट इन पार्ट फोर और वो अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड के जस्ट नीचे वाला जंक वाला फर्स्ट वाला बाई करे ऑलमोस्ट द डिफॉल्ट डिफॉल्टिस्के सेम एज डबल बी माइनस बट यू गेसिंग सच अ एक्स्ट्रा रिटर्न Okay, what is the source of getting this alpha extra return? Because many institutional investors are by their IPS not allowed to invest in the junk category. Okay, so therefore, these as soon as junk me the price falls, the yield rises such a high yield we can earn by investing in B plus and BA1. Understood? Okay, so this was just a दिस वॉज जस्ट सेकेंड थिंग स्पोकन बाय मी ये मैंने मार्केट वाइज बोला पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना वेन दे लिसन टू दिस लैंग्वेज के बजार में क्या करना है उनका रिटेंशन लेवल ज्यादा बढ़ता है तो आई वॉज ट्राइंग टू अड्रेस दो स्टूडेंट्स एंड सम स्टूडेंट्स विल फील दैट यार क्यों बोल रहा है एग्जाम में तो ऐसे पूछेगा नहीं ना ठीक है तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्स्पेक्टिव सो दिस इज दिस थिंग उसके अलावा रेटिंग एजेंसीज ऑल्सो अनाउंस रेटिंग एजेंसी ऑल्सो अनाउंस के रेटिंग एजेंसीज ऑल्सो अनाउंस समथिंग कॉल्ड क्रेडिट आउटलुक वी कैन ऑल्सो कॉल इट रिव्यू एंड दे ऑल्सो अनाउंस क्रेडिट वॉच क्रेडिट आउटलुक एंड क्रेडिट वॉच क्रेडिट आउटलुक मतलब लॉन्ग टर्म में इंडिया जो है फॉर एग्जाम्पल इंडिया का बी डबल ए थ्री हो गया ना पर मोदीज ने जो आउटलुक रखा है इंडिया का वो आउटलुक है स्टेबल ओके तो आउटलुक कैन बी पॉजिटिव स्टेबल और नेगेटिव तो इंडिया का आउटलुक स्टेबल रखा गया स्टेबल कोई पूछेगा ना व्हाट इज इंडियाज रेटिंग एज पर मोदीज इट्स बी डबल ए थ्री एंड व्हाट इज द आउटलुक व्हाट? व्हाट आर यू आस्किंग द आउटलुक इज स्टेबल ओके सो इवन आफ्टर ऑल द कोरोना टोरोना एंड ऑल दैट वी आर स्पीकिंग the fundamentals of the indian economy has not deteriorated media will shout a lot people like Raghuram rajan who perhaps are hired by the gandhi family right now will just keep on tweeting about this and that okay but the fact remains that india's fundamentals are still strong we are structurally a very strong economy boasting of a vast population which is working age we are an economy which are having the guts to carry out structural reforms. We are an economy which, in the last five, seven years, have brought about a digital transformation. We are an economy in which we have the highest number of English speaking people, okay, English speaking people who can professionally work. We are a country where IT professionals are filled up over here. We are a country wherein uh, our leadership is taking hard decisions it is not there to just distribute dole outs to everybody. it is trying to maintain the fiscal deficit at 5, 5.5, 6% level. it is not trying to carry out the profligacy that other nations have carried out. so that is being seen by everybody. people who are not deeply connected with media and who just look at the noise, they will feel that very bad is happening. it's not. you just have to come out of that biopic nature. okay, up medium term or durka dikhara term. and that's what the markets are reflecting. Okay, the markets are very, very forward-looking. They look at 2025, 2030, and we are looking at these two, three months of lockdown going on, and the fact that unemployment rate has gone up and all that stuff. So, India has a stable outlook. Understood? So, outlook is stable. And watch, मतलब is the uh, is it is the rating agency? Is the rating agency is the rating agency उिडी आयोजन लुकिंग आउट फॉर अ डाउनग्रेड इन द शॉर्ट टर्म डाउन ग्रेड इन द शॉर्ट टर्म इज इट लुकिंग आउट फॉर अ डाउन ग्रेड इन द शॉर्ट टर्म ओके और एन अपग्रेड इन द शॉर्ट टर्म वॉट इज द वॉच यार होता है ना यार कहा होता था क्लास में होता था कभी कभी टीचर बोलते हैं स्टूडेंट को तुम मेरे वॉच लिस्ट पे हो ठीक है माने मैं तुमको क्लास से बाहर निकालने वाला हूँ यू आर ऑन माई वॉच लिस्ट इन टू डेज क्लास शॉर्ट टर्म ठीक है और आउटलुक क्या हो गया रिव्यू क्या हो गया लॉन्ग टर्म ठीक है और वॉच क्या हो गया शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म में इंडिया का जो वॉच uh, है दैट्स डाउनग्रेड ठीक है कि पॉसिबल डाउनग्रेड हो सकता है ठीक है बिकॉज ऑफ द वे इन विच कोरोना हैज रियली पुटेस्ट डाउन एंड हर्ट आवर फाइनेंशियल इकोनमी ओके दैट वे चलिए सो दिस इज रिगार्डिंग द क्रेडिट रेटिंग Huge knowledge involved. Now, the most important discussion. Oh, sorry, one important discussion. Please remember, very, very important. Listen carefully. Once again, CFA L1 people not covered nicely in class. Very important. Ratings. Ratings. Focus on PD, not LGD. Ratings focus on PD, not LGD. रेटिंग्स फोकस ऑन पी डी नॉट एल जी डी इनफैक्ट एफ आर एम करिकुलम पे अभी तो मेरे को टच नहीं है पर जब मैंने पढ़ा था तो शायद मोदी सर्विसेज बोलता है कि नो वी लुक एट पी डी एंड एल जी डी बोथ ये मेरे को याद आ रहा है पढ़ा हुआ अभी आई कॉन्ट कंफर्म बट एस एन पी ऑर फि से दैट आवर रेटिंग सिंबल्स रिफ्लेक्ट पी डी नॉट एल जी डी खैर फॉर सी एफ ए लेवल वन करो फॉर सी ए फाइनल यू मे रेस्ट ए दैट यू कैन राइट रेटिंग नॉट ऑन एल जी डी देस ऑन प्रोबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट सो वाई आर यू शाउटिंग दिस आई एम शाउटिंग दिस बिकॉज ऑफ अ क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू लेट सी हू कैन आंसर इन्वेस्टमेंट ग्रेड वर्सेज जंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड वर्सेज जंग दोनों में से किसमें रेटिंग्स आर मोर रेलिवेंट इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड वर्सेज जंक बॉन्ड दोनों में से किसमें रेटिंग्स आर मोर रेलिवेंट रेटिंग्स आर मोर रेलिवेंट फॉर आई जी रेटिंग्स आर मोर रेलिवेंट फॉर एस जी मैंने कौन से बॉन्ड्स में रेटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे आई जी में कि एस जी में लेट सी बहुत ही बढ़िया करेक्ट आंसर आ रहा है सौरभ सिन्हा का करेक्ट आंसर आया है चेतन का करेक्ट आंसर आया है अपने आई में रेटिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे बिकॉज यू रिमेंबर जब क्लास स्टार्ट किया था बोला था आई जी बॉन्ड्स फोकस ऑन पी डी और एस जी बॉन्ड्स फोकस ऑन वॉट एल जी डी एनालिसिस द फोकस ऑफ एनालिसिस ऑन आई जी बॉन्ड इज पी डी एंड रेटिंग्स रिफ्लेक्ट पी डी ना रेटिंग्स डू नॉट रिफ्लेक्ट एल जी डी तो इसका मतलब जो स्पेक्यूलेटिव ग्रेड बॉन्ड्स है सर उनमें तो एल जी डी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डू द रेटिंग्स रिफ्लेक्ट एल जी डी दो रेटिंग्स डू नॉट रिफ्लेक्ट एल जी डी

ये क्वेश्चन आया था लिमिटेशन ऑफ रेटिंग क्लास में कराया हुआ भी है लिखा के लिमिटेशन ऑफ रेटिंग ना एस पर दिस ऑथर इन सी एफ एवल वन कुछ खराब होता है समथिंग बैड हैपन्स द बॉन्ड प्राइस क्रैश रेटिंग्स आर डाउनग्रेडेड लेटर समथिंग बैड हैपन्स द मार्केट रिएक्ट पहले रेटिंग्स द पुलिस दे लैग दूसरा Event risk rating agencies cannot be expected to have forecasted the coronavirus, it's an event that nobody could have forecasted. Rating agencies cannot forecast, for example, an earthquake will hit the Gulf of Mexico, they can't forecast that. So, obviously, you can't expect rating agencies to forecast unprecedented macro or firm specific events. Okay, unprecedented. How can they forecast? How can they?

Okay, how can they forecast unprecedented macro or firm specific events? Sir, they can't forecast. No, they can't because they're not God. Okay? So One happened, Sir they lag, they downgrade or upgrade later. Second event risk. Sir, then why you said that ILFS may Ikra dena cresilko tha 25 lakh ka? See? ILFS may. It was not unprecedented. It could be seen that deterioration was taking place. Of course. जो नॉर्मल इंसान है स्ट्रीट पर उसको नहीं पता था बट प्रोफेशनल्स हुआ वर्किंग इन द रेटिंग एजेंसीज दे कुन दैट आई एल एफ एस इज ऑपरेटिंग इन अ मैन अर विच इज वेरी शैडो टाइप ओके द लाइक्स ऑफ एनरॉन फ्लोटिंग अलॉट ऑफ सब्सिडरीज ओके इशुइंग शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर फॉर फंडिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स सो एसेट लायबिलिटी मिसमैच वॉज क्लियरली एविडेंट आई एल एफ एस वॉज अ क्लियर कट केस ऑफ टू थिंग्स नंबर वन मैनेजमेंट फ्रॉड नंबर टू एसेट लाइबिलिटी मिसमैच यूजिंग शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर फॉर फंडिंग लॉन्ग टर्म वेंचर्स ट्राइंग टू द यील्ड कर्व कि शॉर्ट टर्म यील्ड्स कम होता है उस पर उठाओ और लॉन्ग टर्म पे पैसा लगाओ आई वाज एफ अ टिपिकल केस ऑफ रनिंग अ लॉट ऑफ सब्सिडीज हु फाइनेंशियल्स आर नॉट दैट वे पुट ऑन बैलेंस शीट इन द बुक्स ओके सो ऑल दैट वॉज एविडेंट इन आई आई ईयर वन एंड हाफ ईयर प्रायर टू द एपिसोड का वॉलकैरिक So it was a severe fault by the rating agencies Similarly, in the subprime crisis, in the subprime crisis, even after the crisis started hitting from 2007 beginning say, it could be seen that the delinquencies were rising. Okay, you can see the movie uh, "Too Big to Fail." Too big to fail. You can or uh, you can uh, view the movie, and you will find that things started happening. फ्रॉम टू थाउजेंड सिक्स और बिग शॉट यू कैन सी द मूवी थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग फ्राम द सेप्टेंबर स्प्रिंग ऑफ टू थाउजेंड एंड सिक्स बट रेटिंग एजेंसीज वे क्वाइट अबाउट इट दे वेर जस्ट रेटिंग द बॉन्ड्स लाइक एनीथिंग ट्रिपल एट ट्रिपल एड ट्रिपल एड कमिंग आउट ऑफ द जूनियर और इक्विटी ट्रांचर्स सो दे दस अ लूप होल ना बाई द रेटिंग एजेंसीज तो रेटिंग एजेंसीज जो है दे लैग रेटिंग एजेंसीज कै नॉट बी एक्सपेक्टेड टू फोरकास्ट अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स देन कैन गो रॉन्ग कैन गो रॉन्ग ऑल द्या लिखा हुआ है सी एफ एवल में देर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इज गुड यह लिखा हुआ है तो फॉर सी एफ एलेवन पीपलिंग फॉर द एग्जाम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ रेटिंग एजेंसी इज गुड यू कैनोट से आपने हंसी उड़ाया था ठीक है बट द रिटर्न कैन गो रॉन्ग कैन गो रॉन्ग ठीक है और एक पॉइंट था एक तो लैग है और एक इवेंट रिस्क है कैन गो रॉन्ग एंड रेटिंग आर डायनेमिक आर डायनेमिक ना आई फेल्ट दैट दिस शुड बी एन एडवांटेज नॉट अ लिमिटेशन बट इन्होंने इसको लिमिटेशन लिखा है विच आई डोंट लाइक दे मीन टू सेट सर अपने एक सर्टन रेटिंग को देख के वी बॉट अ बॉन्ड एंड लेटर ऑन द रेटिंग चेंजेस एक सर्टन एक सर्टन रेटिंग को देख के वी बॉट अ बॉन्ड एंड देन द रेटिंग चेंजेस ठीक है सो इट्स लाइक अ शॉकर ना द रेटिंग चेंजेस रेटिंग्स अ डायनेमिक सो इट्स अ लाइक अ शॉक टू मी आई बॉट द बॉन्ड ट्रिपल बी ओ इट बिकेम डबल बी एम नॉट लाइकिंग इट उस तरह का अदरवाइज रेटिंग्स तो डायनेमिक होना ही चाहिए ना रेटिंग शुड बी अपग्रेडेड इट शुड बी ऑलवेज ऑन द रेड तभी तो अपने आउटलुक और रिव्यू का बात किए थे ठीक है ना सो दिस वॉज ऑल द डिस्कशन अबाउट रेटिंग्स ऑल द डिस्कशन अबाउट रेटिंग्स वॉज कैप्चर्ड ओवर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वॉट आई हैड टू कैप्चर इन द सी एफ ए लेवल वन जस्ट वन सेकेंड कोई लिख रहा है सर रेटिंग एजेंसी होना भी चाहिए क्या सी आई एम टेलिंग यू आई एम रिप्लाई दे रहा हूं मनीष कुमार इज सेंग दैट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होना भी चाहिए क्या है? मेरा रिप्लाई क्या है आपने इतना सी ए सी एफ एफ आर एम में वी स्टडी अबाउट मार्केट्स दिस रेशियो दैट रेशियो इंट्रेंसिक वैल्यू डी वन बाई आरी माइनस जी एंड उसके बाद जाके स्टूडेंट पूछता है सर तो फिर पता कैसे चले स्टॉक बढ़ने वाला है गिरने वाला है कल ओ पता नहीं चल सकता है कोई तरीका नहीं है पता चलने का नहीं कोई पता तरीका नहीं है इससे आप केवल अपना टूल्स को इम्प्रूव करते हो जिससे शायद यू कैन कंसिस्टेंटली फॉलो अ प्रोसेस एंड फोरकास्ट बेटर बट देर इज नो अदर वे देर इज़ नो वे तो फिर सर क्या पढ़ा फायदा पढ़ाई करने का ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है बने एग्ज़ाम का डिग्री के लिए दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट अदरवाइज हम पता ही लगा पाएंगे स्टॉक बढ़ेगा या गिरेगा वापरे टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं चार्ट्स क्या उसको देख के बता सकते हैं अब क्या होगा स्टॉक का नहीं बता सकते तो फिर क्यों कर रहे हैं बिकॉज अगर आप डिसिप्लिन प्रोसेस फॉलो करोगे तो इन दैट केस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट विल इंप्रूव ठीक है दैट वे विनय गुप्ता बोल रहे सर माई एम्प्लॉयर हैज वन प्लस बाय क्रिसल एंड इकरा फॉर शॉर्ट टर्म डेट एंड ट्रिपल ए प्लस फॉर लॉन्ग टर्म बट आई डेंट सी वन प्लस हियर। तो मैंने कुछ मिस किया होगा यार हड़बड़ी में लिखते थे माई माइट ओ तो so, इंडिया में अलग सिंबल्स यूज़ हो रहा होगा आई अंडरस्टूड फॉर द शॉर्ट टर्म रेटिंग विनीत शॉर्ट टर्म रेटिंग में शॉट इंडिया में लॉन्ग टर्म रेटिंग का अलग सिंबल है शॉर्ट टर्म का अलग सिंबल है विनय गुप्ता इंडिया में लॉन्ग टर्म रेटिंग्स और शॉर्ट टर्म रेटिंग्स का अलग सिंबल्स है ठीक है ना तो so, मैंने ये इंटरनेशनल सिंबल्स लिखा है एस एन पी मोदीज का ठीक है ना तो so, इंडिया में शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर का अलग सिंबल जैसे सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का अलग सिंबल्स होता है सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का ठीक है अब कौल रहा है होल्डिंग कॉल ऑप्शन एक्सपायरिंग जून आई विल नॉट कमेंट ऑन इट साइल राइट नाउ ठीक है चलिए ओके सो दीज आर द ड्रॉबैक, द ड्रॉबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रेटिंग्स का लैग इवेंट रिस्क कैन गो रॉन्ग रेटिंग्स आर डायनेमिक कम ऑन सो वी मूव टू पार्ट फोर चैप्टर का पार्ट फोर कॉर्पोरेट क्रेडिट एनालिसिस कॉर्पोरेट क्रेडिट एनालिसिस आई नो इट माइट बी बिकमिंग हैवी

ज पी डी and एल जी डी इज अ फंक्शन ऑफ क्रेडिट क्वालिटी एंड industry prospects. इंडस्ट्री प्रॉस्पेक्ट्स अगर होटल इंडस्ट्री एयरलाइन इंडस्ट्री बढ़िया नहीं कर रही है तो जो बढ़िया बढ़िया होटल कंपनीज है बढ़िया बढ़िया एयरलाइन कंपनीज है द लाइक्स ऑफ Even airline manufacturers, Boeing's, okay, they can default. So they can default not because they are bad companies, but because the industry prospects have become so bad. So industry prospects is very very important for the purpose of carrying out the credit analysis, and credit quality of the particular company also has to be seen, okay, for carrying out credit analysis. Now industry prospects me, industry prospects me. इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए यू नो द बाइबल इज पहले स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्ट्रक्चरल एनालिसिस बाई पोट आई डोंट थिंक ये मेरे को बताने का जरूरत है एवरी एवरीबडी टॉम डेक हैरी ऑन द स्ट्रीट नोज माइकल पोट का फाइव फोर्सेस, माइकल पोटस फाइव फोर्सिसके आई विल नॉट गो इन टू इट एवर इफ समबडी रिक्वेस्ट आई विल नॉट बी एबल टू गो इन टू इट माइकल पोटा का फाइव फोर्सेस द फैक्ट दैट काश इंडस्ट्री में कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री और बिग बिग प्लेयर्स है फ्रैगमेंटेड नहीं है तो इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी कम है काश बायर्स का बार्गेनिंग पावर लो हो डिस्पर्स्ड बायर्स दे का डिक्टेट टर्म्स वी कैन डिक्टेट टर्म्स सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर लो हो मैनी सप्लायर्स दे का डिक्टेट टर्म्स आई कैन बाई फ्रॉम एनी बडी काश बैरियर्स टू एंट्री हाई हो न्यू फर्म्स के नॉट एंटर दे के नॉट ईट अवे आर शेयरड मार्जिन और काश सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स ज्यादा नहीं हो सो दैट वी कैन चार्ज अ हायर प्राइस वी फेस इन इलास्टिक डिमांड ठीक है तो मैंने शॉर्ट में बोला है सबके सबके बारे में जो ठीक से सुनता उसको जिस्ट मिल गया होगा काश इंडस्ट्री कंसॉलिडेटेड हो ओके फ्रेगमेंटेड नहीं हो बिग बिग प्लेयर्स ओके हु बिहेव मेच्योरली ठीक है हु डू नॉट इंगेज इन अननेसेसरी प्राइस वॉर काश बायर्स का बार्गेनिंग पावर लो हो काश सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर लो हो काश बैरियर्स टू एंट्री शुड बी हाई न्यू एंट्रेंट शुड नॉट बी एबल टू एंटर एंड काश सब्स्टिट्यूट का रिस्क ज्यादा नहीं हो सो दैट वी कैन चार्ज अयर प्राइस एंजॉय एनी लास्टिक डिमांड फॉर आर प्रोडक्ट ठीक है तो आई स्पोक इट फास्ट बट देर वॉज नो नीड फॉर मी टू स्पीक इट स्लो स्ट्रक्चरल सेकेंड इज द इंडस्ट्री सिक्लिकल वॉट आर द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इन द इंडस्ट्री ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इन द इंडस्ट्री रेग्युलेश इन द इंडस्ट्री

कंपनी एनालिसिस में वी स्टडी कंपनी का कॉम्पिट कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिशन लैंडस्केप कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप वॉट इज द टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन द कंपनी इज एक्सपोज टू मैनेजमेंट स्ट्रेटजी वॉट आर द स्ट्रेटजीज़ दैट दे आर यूजिंग ओके मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तो कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप मैनेजमेंट स्ट्रैटी प्रोडक्ट रेंज प्रोडक्ट रेंज फॉर एग्जाम्पल वन कंपनी जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ राइट नाव इज आई टी सी आई डोंट सी वे दे आर गोइंग दे हैड विइफ स्टाइल स्टोर्स एवरी वे एंड ऑल दो स्टोर्स वे आर क्लोज आई एम नॉट टॉक अब कॉरोना बट विल्स लाइफ स्टाइल का पूरा आम उन्होंने बंद कर दिया सो वॉट आर दे गोइंग इन टू सिगरेट विल नेवर बी अ ग्रोथ ओरिएटेड बिजनेस एवर ओके एंड दे हैव कम आउट ऑफ द एपरल्स बिजनेस They are focusing definitely on uh, FMCG that we can see and paper is paper the way it goes. Okay. So I'm not very confident fundamentally about ITC unless or until I come to know that they are changing their strategy and moving into something and all that stuff which Otherwise uh I ITC both proper abhi compared to other options which are there. So you look at company analysis all that and then you carry out

द रीजन वाई सम पीपल डू दिस टाइप ऑफ चीपनेस इज बिकॉज दे नो दैट दे विल नॉट बी नॉन टू अदर्स ठीक है ना बट अंदर ही अंदर तो दे नो दम सेल्स ना तो अपने खुद को तो फेस करना पड़ता है शीशे के सामने तो आई डोन्ट अंडरस्टैंड अगर आपको नहीं सुनना है तो आपको तो जरूरी है सुनना इट इज़ नॉट डेट यू है बिन लॉक्ट इन अ रूम यू जस्ट गो आउट इफ यू हैव द कैल्बर यू स्पीक आउट यूर फोन नंबर एंड वॉट यू आर डूइंग क्लासेज फ्रॉम मी सो पता तो चले कि आपका कैटेगरी और कैरेक्टर क्या है जस्ट वन सेकेंड वेट अ मिनट तन मई जैन आप लोग को भी दिख रहा होगा तन्मय जैन लिख रहा है प्लीज शट अप ओ सॉरी ये किसी दूसरे को बोला है कुश आगरा को बोल रहा है प्लीज शटअप आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल यूज स्पाइडर चार्ट्स फॉर पोर्टर्स फाइव सॉरी आई एम सॉरी तन्मय यू आर सेइंग टू समी एल्स बट किसी और को भी आपको नहीं बोलना चाहिए बिकॉज इट अपीयर्स टू बी एन इनडिसेंट लैंग्वेज ठीक है तन्मय सॉरी आई मिस रेड इट आई डेंट सी इट कुश आगरा को आपने बोला है प्लीज शटअप ठीक है बट आपको दूसरे को भी नहीं बोलना चाहिए मेंटेन दैट ग्रेस यू नो मैं ज्यादा स्पिरिचुअली बोलता नहीं हूं बट देर आर थ्री थिंग्स डेट डिटरमाइन सक्सेस इन एनी इंडेवर वन इज योर इंटेलिजेंस एंड स्किल्स सेकेंड इज ग्रेस एंड थर्ड इज लक दैट ग्रेस फैक्टर इन्श्योर्स दैट योर इंटेलिजेंस ब्लॉसम्स एंड यू लक ऑल्सो फेवर्स बिकॉज यू हैव द पेशेंस टू स्टे सो माई एडवाइस टू यू इज दैट यू इंश्योर दैट यू ब्रिंग इन मोर डिसेंसी एंड ग्रेस्ड

विनेट्स चारों का मतलब आता होगा देर आर फोर सीज ऑफ क्रेडिट एनालिसिस कैरेक्टर कैपेसिटी कोलैटरल एंड कॉविनेंस कैरेक्टर कैपेसिटी कोलैटरल एंड कविनेट्स फोर सीज ऑफ क्रेडिट एनालिसिस सबसे ईजी है इसमें कविनेंट्स अफर्मेटिव और नेगेटिव एवरीबडी नोस कंपनी को यह करना पड़ेगा दैट्स एन एफर्मेटिव कवेनेंट रिटर्न इन द बॉन्ड एंड डेंचर नेगेटिव कवेनेंट कंपनी इज नॉट अलाउड टू डू दिस कंपनी शुड मेंटेन डेट इक्विटी रेशियो लेस देन टू कंपनी शुड मेंटेन कंपनी शुड नॉट ब्रीच दिस ओके शुड नॉट ब्रीच इट्स टैक्स पेमेंट्स ऑल दोज आर नेगेटिव कवेनेंट्स कंपनी

क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं अपने और सम्स भी नहीं चल रहे तो आई थिंक वी विल स्टैगर इट इन् टू पार्ट्स इट्स लाइक इलेवन फिफ्टी टू टेन थर्टी पर स्टार्ट किए थे और मैंने बोला था वन आवर थर्टी मिनट्स का ऐसा सेशन बढ़िया होता है जिसपे सम्स नहीं हो रहे जब सी ए में हम लोग सम्स कराते ना क्वेश्चन तब तो क्या सम्स के सहारे तीन घंटा ही पता नहीं चलते बट यहाँ पर जब बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे वो भी लिखा रहे नहीं है तो इन दैट केस इट बिकम्स अ बिट मोनाटनस इन बिटवीन सो नो इशूज आई थिंक वी विल नेम इट पार्ट वन क्रेडिट

क्या बोल रहे हैं तन्वय में सॉरी हूँ मैं बोल दिया ना आपको मेरे से गलती हो गई ठीक है आप फॉगेट करो उस चीज को मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था सौरभ सिन्हा आई यू द वन फ्रॉम कलकत्ता जिसने कुछ दिन पहले मेरे से बात की थी सौरभ सिन्हा दिव्या को रिप्लाई कर रहे हैं व्हाट वाज आईजी बॉन्ड दिव्या आईजी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड है आप सी ए कर रहे हैं या सी एफ ए कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड और जंक बॉन्ड ठीक है ओके सो कैन वी रिटेल बाय बी प्लस ग्रेड बॉन्ड्स एज यू सेड साहिल बॉन्ड मार्केट इंडिया में रिटेल पब्लिक के लिए नहीं है अगर आपको बॉन्ड बाई करना है तो बेटर रहता है बॉन्ड म्यूचुअल फंड बाई करते तो बॉन्ड म्यूचुअल फंड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं म्यूचुअल कॉर्पोरेट म्यूचुअल फंड डेफिनेटली प्लस रेटिंग वाला बॉन्ड इनफैक्टल्टन ने वही वाले तो फंड बंद किए थेमेंट में उनका डिमांड चला गया सी एफ एल वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन क्लासेस दीपेश सोलंकी बोल रहे दे आर रेडी कॉन्टेक्ट यू लर्न टेक द क्लासेस दिपेश मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सौरभ सिन्हा नहीं सर आई वॉज इन कोलकाता इन 2010 थाउजेंड टेन मेट यू ओके तो सौरभ सिन्हा दो है ठीक है विजय अग्रवाल सर प्लीज टेक अ सेशन ऑन कन्वेक्सिटी एंड ड्यूरेशन कन्वेक्सिटी एंड ड्यूरेशन मेरे ख्याल से वो वाला चैप्टर का भी ये रिव्यू बाकी है ठीक है तो उसके अंदर कवर हो जाएगा डोंट वरी एजुकेशन इज सच अग सेक्टर बट टू नन ऑफ द कंपनीड मनीष कुमार बोल रहे हैं एजुकेशन इज एच बिग सेक्टर बट नन ऑफ द कंपनी इज लिस्टेड दे आर रेजिंग फंड्स वाया प्राइवेट इक्विटी द लाइक्स अ बाईजू ओके दे आर रेजिंग वाया प्राइवेट इक्विटी प्लीज करेक्ट द रेटिंग लिस्ट क्यों गलती हो गया था क्या किशन शी सिंग प्लीज करेक्ट द रेटिंग लिस्ट वॉज इट रॉन्ग सॉरी आप रेटिंग गूगल कर लेना मेरे ख्याल से मैंने राइट ही लिखा था बॉन्ड इज द अग्रीमेंट बिटवीन द बॉन्ड होल्डर्स एंड द कंपनी विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ट्रस्ट डीड अग्रीमेंट ऑन ड्यूरेशन फिक्सड इनकम का वो रिव्यू क्लास बाकी है वो आ जाएगा प्रिया डोंट वरी इंड मैंने बोल दिया अर्पन इट्स अ बॉन्ड अग्रीमेंट सर वी वुड बी ग्रेटफुल इफ यू टेक अ सेशन ऑन सेवेटिव ऑल्सो shelpa we will not do that derivatives review class is already a part of the package an academy is now a unicorn startup yes it may be it has raised several rounds of funding so we expect ssci you learn to follow the likes of baiju we would love it we are in the wrong space when it comes to financial education audience is not that big when it comes to uh, k12 स्टार्टअप ऑडियंस इज वेरी बिग इट्स ऑल आउट द मास सी एग्जाम्स का क्या होगा मेरा खुद का तो ये ओपिनियन है कि शायद नहीं होगा ऑल दो आप मेरे को बुक मत कीजिएगा सर बोले थे अपना ओपिनियन देना सबका बनता है तो मेरे ख्याल से तो नहीं होगा बट आई डोंट वॉन्ट टू बी बुक टॉन रिकॉर्ड फॉर इट वेन विल सी एफ एवल टू रिव्यू क्लास स्टार्ट सी एफ ए लेवल टू का एक चैप्टर बाकी है uh, ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स पहले वो खत्म करेंगे और रिव्यू uh, क्लास अभी रिसेंटली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का तो वही था ठीक है क्यूएम में और भी रिव्यू डालते रहेंगे एक्चुअली मैं बता रहा हूँ क्या होता है सी एफ ए लेवल टू लेवल थ्री में वी के नॉट पुट क्लासेज ऑन यूट्यूब लाइक दिस वी हैव टू हैव क्लासेज विच आर इनक्रिप्टिड ओके सो वी आर नॉट एबल टू डू मेनी क्लासेज जो कि पॉपुलर मासेज में अवेलेबल होगा इट्स अ प्रोडक्ट दैट हैज टू बी मॉनिटाइज एंड सोल्ड बाई अस दैट इज वाई वी डोंट डू ठीक है यहां पर भी डाउट सेशन लॉ ऑफ वन प्राइज का नहीं करेंगे आप वीडियो वापस चुन लो अभिषेक लॉ ऑफ वन प्राइज का मतलब था अगर दो पोर्टफोलियोज का सेम पे ऑफ है दोनों का प्राइज क्या होना चाहिए सेम वो पुट कॉल पैरिटी में भी समझाया गया था अमन बोल रहे लॉट फ्रॉम यू आई एम प्रेविलिज अमन एंड हम्बल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ योर एवोल्यूशन थ्रू मी चलिए सो दिस इज एग्जैक्टली ट्वेल्व ओ क्लॉक वी विल एंड ओवर इयर